कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र से द्वारिका जाते समय विश्व की सबसे सौम्य दुधारू संघर्ष और ऊर्जावान गायों को चढ़ने के लिए चुना था। ये मारवाड़ थारपारकर और काठियावाड़ का त्रिवेणी संगम था। 12 शताब्दियों से गो माता पर जो अत्याचार हो रहे थे, उस अत्याचार को रोकने के लिए सन 1993 में करूर कसाईयों से छुड़ाई हुई 8 गायों से इस महान गोसेवा रचनात्मक अभियान का गोधाम पथमेड़ा में शुभारंभ हुआ। 1999 में वो गोवंश बढ़कर 90,000 हो गया, 2001 में बढ़कर 1,76,000 हो गया। भयंकर अकाल 2002 और 3 में था तो 2003 में 2,84,000 गोवंश की सेवा गोधाम पथमेड़ा के माध्यम से हुई है। ये निरंतर कार्यक्रम चलता रहा और आज की तारीख में 1,40,000 गोवंश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गोधाम पथमेड़ा के माध्यम से सेवा उनकी की जा रही है। 89 ऐसे केंद्र हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ गोधाम पथमेड़ा से लेते हैं और 20 सेवा केंद्र ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा खर्चा गोधाम पथमेड़ा उठाता है। गोधाम पथमेड़ा में अनेक कार्यक्रम हुए। सबसे पहले राष्ट्रीय कामधेनु कल्याण महोत्सव का 1999 में दिव्य और भव्य आयोजन हुआ जिसमें लाखों लाखों लोगों ने भाग लिया। भारत भर के संत, भारत भर के धर्माचार्य, भारत भर के नेता और न मालूम अनाप शराब गो भक्तों की उपस्थिति उस कार्यक्रम में रही। 2007 में गोरक्षा सम्मेलन, विश्व गोरक्षा सम्मेलन रामचंद्रपुरम शिमोगा कर्नाटक में सम्मेलन हुआ जहां 17 देशों के लोग ने भाग लिया और उस समय 9 दिवसीय जो शिविर था उसमें कुल मिलाकर 15,00,000 लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हुई। साहब उसके बाद 2008 में संपूर्ण गोवंश की रक्षा के लिए गोधाम पथमेड़ा में निश्चित रूप से एक आंदोलन हुआ। आमरण अनशन पर लोग बैठे, पूरी सरकार अलसन में आई और सरकार के 5 मंत्री गोधाम पथमेड़ा आकर समझौता पूर्वक गायों के बारे में कुछ देने की उन्होंने घोषणाएं की। 2009 में बाबा रामदेव के माध्यम से कामधेनु क्रांति योग शिविर का आयोजन किया गया। 2010 में गो मंगल यात्रा के माध्यम से भारत भर के गांवों से गो रज इकट्ठी की गई और गोधाम पथमेड़ा में लाई गई। और 2017 में पूज्य महाराज जी ने पूरे भारत में गो ज्योति यात्रा के माध्यम से 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पूरे भारत भर की समग्र पवित्र नदियां, समस्त गोशालाओं, समस्त तीर्थों का जल और रज लाकर के यहाँ पर सरोवर के रूप में श्री कामधेनु कोटि तीर्थ की स्थापना गोधाम पथमेड़ा में की है। साथियों, ज्यादा समय लूंगा नहीं क्योंकि संत बसंत से प्रकृति सुरक्षित रहती है और संतों से संस्कृति सुरक्षित रहती है। दत्त संदानंद जी आंखों के तारे, ये गऊओं के रखवारे, सृष्टि पर सानी नहीं उनका, दुनिया उनके पांव पखारे। मुंडेल साहब, गीता की शिक्षा अपनाओ, गोरक्षा में चित लगाओ, गोरक्षा भारत की रक्षा, रहे हृदय में दृढ़ ये शिक्षा। पथमेड़ा केवल गोशाला नहीं है, वह कल्याण का कारखाना है क्योंकि गोरक्षा से स्वास्थ्य की रक्षा होगी, स्वास्थ्य रक्षा से हमारे खोदी पेट है सीमाओं की रक्षा होगी और सीमाओं की रक्षा से राष्ट्र की रक्षा होगी, इसलिए गो सेवा जरूरी है। अब मैं मुंडेल साहब के लिए कुछ शब्द, मुंडेल साहब को निरख हरखत जन समुदाय, आज सेवाड़ा नगर फूल्यो नहीं समाय, फूल्यो नहीं समाय आस खासो है भारी, कर दो बेड़ा पार आस पूरी हो आरी। और साथ ही निवेदन, झूम को तू बादलों का रूप देता चल, बन के बिजली बादलों की ओट से निकल, स्वाति समय आया राही मोती बन अभी, देख ले हजारों चेहरे साथ है सभी, साथ है सभी। साथियों, जिस समय दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का ग मालूम नहीं था,
पर्यावरण का प मालूम नहीं था, उस समय हमारे देश में पर्यावरण के लिए लोगों ने खेजड़ली में बलिदान दिया था। ये हमारा इतिहास है और ऋषि मुनियों के कारण ही है। साथ ही हमारे जितने भी हम सभी 36 कौम के समाज के जो भी महान संत हुए हैं, संत जम्बेश्वर भगवान, बाबूजी, वीर तेजाजी, अड़मत जी देवासी, चांदा डेबा भील, पप्पा रावण, समस्त जो बड़े महात्मा हुए उन्होंने गुरु की सेवा की है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, सेवा आप सबके लिए सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि सेवा देखने में, लिखने में, सुनने में छोटा शब्द है, लेकिन निश्चित रूप से सेवा वशीकरण मंत्र है, सफलता का तंत्र है और निश्चित रूप से आशीर्वाद का यंत्र है। आशीर्वाद चाहिए, गो की शरण में जाओ, क्योंकि गो माता दया की देवी है, प्रेम की प्रतिमा है, करुणा की कविता है, स्नेह की सरिता है, परोपकार का पर्वत है और ममता का महासागर है। ममता के महासागर में स्नान सेवा रूप करके आप अपने आप को धन्य बनावें। जिस प्रकार पहाड़ों को झुकाया नहीं जा सकता, समुद्र को सुखाया नहीं जा सकता, धरती और आकाश को मिलाया नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार गो माता के उपकार को भुलाया नहीं जा सकता, कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुंडे साहब आपके लिए तो क्या कहें, हमने रात्रि जागरण कई देखे हैं, एक से एक भजन सम्राट देख लिए हैं, लेकिन धन्य है आपकी सादगी को मैं प्रणाम करता हूँ। कोई तड़क नहीं, कोई भड़क नहीं, जैसा वेश जैसा देश जैसा भेष, अंदर बाहर एक समान। इसलिए पुनः आप सबसे निवेदन है, जो ये व्यक्ति कितने किलोमीटर 400 किलोमीटर के लिए हमारे लिए, हमारी गो माता के लिए आए हैं, तो मैं सभी धर्म प्रेमी गो भक्तों की ओर से आपका जोरदार अंतरिस्थल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही डे बाई डे आपकी खुशियां हो जाए डबल, आपकी जिंदगी से डिलीट हो जाए सारे ट्रबल। भगवान करे आप सदा रहे स्मार्ट एंड फिट और आपका ये गो सेवा का कार्यक्रम जाए सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट। लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का वास हो और गो माता की कृपा से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। जय गो माता, जय गोपाल।